अच्छा, आप यहाँ माता के पास जो हैं, तो आप क्या समस्या लेकर आए थे माता के पास? हम किडनी की समस्या लेकर आया था। अच्छा अच्छा। मैं किडनी और पथरी। अच्छा, उस बारे में हमें बागेश्वर धाम में पता चला था। अच्छा। बागेश्वर धाम में मैं जाता हूँ। अच्छा। वहाँ मालूम चला था एक संत द्वारा। अच्छा। और ये बताया गया था कि बाबूजी एक बार आप पथरिया माता जाएं। तो हम जब पथरिया माता आए मंगलवार को, हम पहुंच चुके हैं गरौली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अभी सुबह 5 बजे पहुंच चुके हैं और 5 बजे इतने व्यक्ति आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे गाड़ी आ रही है। अगर आप पलेरा, जितारा, बल्लभगढ़, भेसी, टीकांगड़ आदि स्थानों से आते हैं तो आपको इसी स्थान से होकर पथरिया माता के दर्शन करने जाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की लोकेशन हम आपको बता दें, यहाँ जो देख रहे हैं जो गणेश मंदिर दिख रहा है, यहाँ मंदिर है, यहीं की बाई से निकलना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगर रास्ते भर की आपको अपडेट देते रहेंगे। जय पथरिया माता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं नौगांव मौलानीपुर हाईवे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि हम खड़े हैं अभी ब्रिज के पास। अगर आप नौगांव ये मौलानीपुर झांसी से अगर इस हाईवे से आते हैं तो आपको इस ब्रिज के नीचे से ही जाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस ब्रिज को, यहाँ पे यहाँ से ही लोग जा रहे हैं। देखो, आपको यह दिखाते हैं कि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने व्यक्ति आ चुके हैं और कुछ लोग तो अभी तक जा चुके हैं। देखो अभी ये तो हम दादाजी से बात करें। दादाजी, आपका नाम? मुल्लूपाल। आप कहाँ के हो? इटंगी। तो आप हमें ये बताइए कि माता की महिमा क्या है? उमदा है, चालू सही हुए। कब से लोग यहाँ आ रहे हैं? कम से कम 2 महीना हुए। अच्छा अच्छा। तो यहाँ जो लोग आते हैं उनको आराम मिलता है? आराम मिलता है। अच्छा अच्छा। जो लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होता, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सही होता आदमी अपने मुँह से कह रहा हूँ, काम सही है। अच्छा। तो दादाजी ने बताया कि यहाँ पिछले 2 महीने से लोग लगातार आ रहे हैं और हर व्यक्ति यहाँ से ठीक होकर जाता है। जो कहते हैं कि माता का यहाँ पे चमत्कार नहीं है, शक्ति नहीं है, तो वो सब झूठ है। दादाजी बोल रहे हैं ये यहीं के हैं परमानेंट। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ की महिमा बहुत है और माता की शक्ति बहुत है। अगर आप भी अस्वस्थ हैं तो आप भी आ सकते हैं माता के पास और आप भी बिल्कुल स्वस्थ होकर जाइए, लेकिन माँ मन में आस्था विश्वास जरूर लेकर आए। जय पथरिया माता। आपका नाम क्या है? संजीव कुमार बालवी। अच्छा अच्छा। आप कहाँ के हो? अलीपुरा के। अच्छा अच्छा। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ भक्त आ रहे हैं, तो यहाँ माता की महिमा के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। माता की बहुत अच्छी महिमा है, जो बड़े होते हैं वो खुल जाते हैं, जिसके घुटने उठने पर आते हैं वो भी सही। और यहाँ पे सभी प्रकार के रोगों का इलाज होता है? सभी प्रकार के। अच्छा अच्छा। तो भाई साहब बता रहे हैं कि कोई भी आपके पास रोग हो, माता के पास आइए, मन में आस्था और विश्वास लेकर जरूर आइएगा, तभी आप माता आपकी सुनेंगी, नहीं तो माता बिल्कुल नहीं सुनेंगी। क्योंकि जहां विश्वास नहीं होता वहां कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आप भी बिल्कुल विश्वास के साथ आइए, आप भी ठीक होकर जाएंगे। जय माता की। जय पथरिया माता। भाई साहब, आपका नाम क्या है? संतोष कुमार सोनी, पलेरा से। अच्छा अच्छा। माता की कृपा से। आप कितनी बार आए अभी? अभी पहली बार। अच्छा अच्छा। तो माता से क्या मनोकामना चाहते हैं? बस अपनी तो यही है कि सब दुख दूर हो जाए और बस कृपा बनाए माता जी। तो यहाँ आप कैसे आए? किसी ने बताया आपको कि कोई घर का आए? काफी दिन से हमारे यहाँ के बहुत से लोग आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो कब से आ रहे हैं यहाँ लोग, आपको कुछ पता है? नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत दिन से आ रहे हैं, कई एक महीना कई होगा। तो यहाँ क्या सुनने को मिल रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हमें आदमियों को बहुत अच्छे हो गए, बहुत के आदमी ठीक है। तो भाई साहब ने बताया कि यहाँ पहली बार आने पर ही यहाँ लग रहा है कि आराम हो रहा है। भाई साहब, आप कहाँ से हो? बम्होरी कला से। अच्छा अच्छा। आप कितनी बार आए यहाँ पे? 3 बार आ गए हम। अच्छा अच्छा। आपको क्या समस्या थी? अरे हाथ पांव दर्द देते थे, वो करीब लोग तत्काल ठीक हो गए, तत्काल। अच्छा, कई मरीज आ रहे हैं यहाँ पे बहुत। तो देख रहे हैं 3 बार आने पर ही बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। तो आपके साथ कौन कौन आया? मेरे साथ 4 दोस्त वगैरह हैं। अच्छा अच्छा। और गांव के काफी हमारे 20 टैक्सी आती हैं गांव से। अच्छा, कम से कम। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हमें 1 महीना हो गया, मतलब 3 टैक्सी हुई मेरी। अच्छा, और मेरे गांव से तो 1 महीना से आ रहे हैं कुछ लोग। तो जो लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
क्यों नहीं है, वो तो पागल है जो कहते हैं। और नहीं आए जिसको नहीं आना है, लेकिन वो तो घर पर बैठे लेटे रहेंगे। यहाँ पे इतनी लोग संख्या में आ रही है तो पागल थोड़ी है। सबको आराम मिल रहा है, पथरिया माता की जय। तो भाई साहब ने बताया कि यहाँ एक महीने से लगातार इनके गांव से 20 टैक्सी आ रही हैं, और भाई साहब ने बताया कि जो लोग आ रहे हैं सभी ठीक होकर जा रहे हैं। तो हम माता रानी से यही विनती करेंगे कि जो जो बिल्कुल मन से आ रहे हैं सबको बिल्कुल ठीक कर दे माता, और ऐसे ही आशीर्वाद सब पर बना रखे। बोले पथरिया माता की जय। जय जय पथरिया माता। भाई साहब कहाँ से हो? आपका नाम क्या है? आप कितनी बार आ चुके माता के पास? पहली बार। क्या मनोकामना लेकर आए माता से? जो आए तो मन में है। अच्छा अच्छा, तो आप कैसे आए? किसने बताया आपको कि आप यहाँ कोई आए घर का? घर के आए पहले पे वो बताया किसी ने। अच्छा, उनको लाभ है कि नहीं है? लाभ है। तो जो लोग कह रहे हैं कि माता की कृपा नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है, तो उनके बारे क्या कहेंगे? माता की कृपा है, माता के से बहुत कुछ आराम हो रहा है सब लोगों को, माता रानी की कृपा है। तो दादा बता रहे हैं कि माता रानी की कृपा है, और जो लोग नहीं आ रहे हैं वो भी आए, बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है, बिल्कुल पूर्णता सत्य बात है। आप दादा कहाँ से आए? हम लोग राठ से आए। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम महादेव प्रजापत। आप कितनी बार आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। अच्छा अच्छा, पहली बार। आप क्या मनोकामना लेकर आए माता से? पैरों में दर्द, शरीर में दर्द, इसीलिए। आपको कुछ लग रहा है कि हम ठीक हो जाएंगे? नहीं, विश्वास है हमको, बहुत आदमियों ने बताया है कि ठीक हो जाते हैं, यहाँ घूमे भी बोलने लगे हैं। अच्छा अच्छा, तो लोग जो कह रहे हैं कि अंधविश्वास यहाँ कुछ नहीं होता, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, विश्वास है, बगैर विश्वास की थोड़ी सिद्धि होती, मन में विश्वास है अच्छा सही हो जाए। तो चलिए दादा, आप कहाँ से हो? हम बीमारी है। अच्छा, कहाँ से हो आप? बापर। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या समस्या थी? हम पहली बार आए। अच्छा अच्छा, तो आप माता से विनती क्या करना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे हमारा दुख दूर हो जाए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ किसी ने बताया आपको कि ये कोई घर से आया था? लाए थे गाँव से, बस्ती से लोग आए थे। अच्छा अच्छा, हमने बताया था। तो आज हमें साक्षात भगवान। अच्छा अच्छा, तो जो लोग कहते हैं कि वो माता की शक्ति नहीं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो मूर्ख ही बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, उनका ये कोई पता नहीं, वो कह आ रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके देखेंगे अपने साथ भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दादा ने बताया है कि जो अंधविश्वास बोल रहे हैं वो सब मूर्ख हैं, और यहाँ बिल्कुल सिद्धा भक्ति से आएंगे तो आपकी माता जरूर सुनेंगी और आपको भी स्वस्थ करेंगी। हम आशा करते हैं कि दादा को भी माता बिल्कुल स्वस्थ कर दें। भाई साहब कहाँ से हो? हम मऊरानीपुर के पास बोलदान से। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? लोकेन सिंह भदौरिया। आप कितनी बार आ चुके माता के पास? हम तीन बार आ चुके। तो आप तीन बार, आपको कुछ लाभ हुआ यहाँ से कि नहीं हुआ? हाँ, आराम तो है। अच्छा अच्छा, तो देख रहे हैं कि तीन बार आने पर ही माता ने विनती सुन ली है, और भाई साहब बता रहे हैं कि बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं हम। और क्योंकि अच्छा, कोई लेना देना नहीं है, यहाँ माई की कृपा है, क्योंकि माता रानी झाड़ा लगाती है। अच्छा, वो आदमी स्वस्थ हो जाता है, कोई दवा ववा नहीं खानी पड़ती है। तो जो लोग कहते हैं कि यहाँ माता का चमत्कार नहीं है, ऐसे ही लोग जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए यही कहेंगे कि लाभ मिल रहा है तो सब लोग जा रहे हैं, ऐसे ही मिलता रहे, माई की कृपा सभी पे बनी रहे, क्योंकि इस संसार में हमें कोई सुखी नहीं दिखा इतनी जनता। अच्छा, तो हमारा जी है अगर कहीं से सुखी हो, जो हमारे माँ बाप माता रानी के पास आ रहे हैं, बागेश्वर धाम जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, तो सब लोग सब जगह जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक नया पीढ़ी से निवेदन है कि माँ बाप की सेवा पे ज़्यादा जोर लगाएं, माँ बाप सेवा, क्योंकि माँ बाप को कभी इंसान ना समझें, गाय को कभी जानवर ना समझें, और तुलसा मैया को कभी वृक्ष ना समझें। यही हमारा संदेश है कि सद्भावना रखें, सद्भावना रखेंगे तो धर्म का प्रचार हो रहा है और ऐसा ही होता रहे। तो भाई साहब ने बताया है कि देखो, अगर आप माता पिता की इज्जत नहीं करते तो आपकी आपको भी कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, ना आपकी कोई इज्जत करेगा,
माँ बाप भगवान के समान है, आप कहीं भी ये मन्नत कराओ, अगर माँ बाप खुश नहीं है आपके तो आपको कहीं भी सुखी नहीं मिलेगा। और माता रानी भी बिल्कुल कृपा नहीं करेंगी, क्योंकि माँ बाप दुखी होते हैं तो स्वयं भगवान ही दुखी होते हैं। तो भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ये पीढ़ी जो है ये सनातन की ओर जानी चाहिए, और जो अपनी गाय माता है ना, तो इनको भी अपन को पूजना चाहिए और इनको मानना चाहिए, क्योंकि जो लोग है ना कुछ मानते हैं तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आप सनातन हिंदू हैं तो आप भी अपने माता पिता की बिल्कुल सेवा करें और उनको भी इज्जत दें, तभी आपको समाज में इज्जत मिलेगी। जय पथरिया माता, जय दुलारी धाम। आप कहाँ से? ग्राम सजारा थाना बोल रहे, तहसील मऊरानीपुर के। हम अपनी मंगत लेके आए थे कि हमारे पैर ठीक हो जाए, तो माता रानी की कृपा से हमारे पैर ठीक हो गए। यही कामना कहते हैं कि सभी जनता की माता रानी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो जय पथरिया भाई माता की जय। आप कितनी बार आ चुके माता? पांच बार। तो देख रहे हैं आप, पांच बार आने पर भी माता ने इनकी पूरी विनती कर दी है, और ये अभी बच्चों को प्रसाद वितरण कर रहे हैं, इनकी भी मनोकामना पूरी हो गई है। आप भी पथरिया माता आइए, और अगर आप भी अस्वस्थ हैं तो अपनी अर्जी लगाइए, माता रानी आपको बिल्कुल स्वस्थ करेंगी। जय पथरिया माता, जय दूल्हा, जय पथरिया माता। भाई साहब कहाँ से हो? जय घोराट धनाई। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? बली मोहम्मद। आप कितनी बार माता के पास आ चुके हैं? चार बार आ चुके हैं। आप क्या मनोकामना लेकर आए थे अपनी माता के पास? दादाजी हैं इनके हाथ पांव पर हाथ। अच्छा, इनके लाए? अच्छा, इनके लाए आगे बिल्कुल सही। अच्छा, मतलब 80% आराम है। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि चार बार आने पर ही पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं दादाजी। आपने कहीं इनका इलाज करवाया था अस्पताल? नहीं नहीं, नहीं, पहले करवाया से कुछ नहीं, कोई इलाज इन्हीं के भरोसे पे किया है। अच्छा, तो उनके बारे में क्या कहेंगे, जो कहते हैं अंधविश्वास है, कोई माता नहीं है, कोई शक्ति नहीं, उनके लिए क्या कहेंगे? तो जैसे यानी अविश्वास करना है तो मन की भावना है, जी की जैसी भावना जैसी वही है, विश्वास करो उनके ऊपर। 70% हमारा गांव यानी आराम के मामले में यानी घुराट से आ रहा है। कब से आ रहे आप? हम लोग गाँव को तीसरा होगा, चौथा होगा, 21 दिन लग गया। तो देख रहे हैं इनके आधे गांव से भी ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं। जो लोग कहते हैं अंधविश्वास है, बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है, माता की शक्ति है, तभी इतने लोग आ रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं आता। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर लाभ ना हो तो व्यक्ति थोड़ी आता है। आप देख रहे हैं अगर लाभ हो रहा है, तो देखिए आप इतने भक्त आ रहे हैं, तो ये माता की शक्ति है। आप बिल्कुल भी मूर्ख ना बने, यहाँ आइए माता के पास, बिल्कुल फ्री है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। आप मन में विश्वास और श्रद्धा लेकर जरूर आए, तभी माता आप पर कृपा करेंगी, नहीं तो ऐसे कोई कृपा नहीं करेगा। क्योंकि मन में विश्वास ही नहीं है तो कोई नहीं सुनेगा। और हमेशा माता के चरणों में विनती करते रहिएगा, और माता को हमेशा शीश नवाएं। जय पथरिया माता। आपका समस्या लेके आते माता? सब गलन सी होती है हमेशा ही ना। अच्छा, हमारी बात कम भाई, तो इसलिए हम आ रहे हैं। तो आप द्वार जोन दिन का टाइम में लगा वही दिन का आ रहा, तो इसलिए माता बहुत माने अच्छी परिभूता दिखा रही। इसलिए हम आते हैं, बहुत सी जनता आ रही है, सबका दुख दूर मिटाओ, लेते हैं ना बहुत, अपना चढ़ाओ पर कमा लगाओ, आराम से जाओ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो देख रहे हैं पांचवी बार आने पर बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, और यही संदेश दे रहे हैं कि माता रानी के पास आइए और यहाँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आपका एक पैसा नहीं लगेगा, आपकी जो चिंता होगी वो चढ़ाए, अन्यथा बिल्कुल न चढ़ा, लेकर मन में आस्था और विश्वास लेकर जरूर आइए, तभी आपकी माता विनती सुनेगी। जय पथरिया माता। जय पथरिया माता। तो आप हमें बताइए, आप कहाँ से हो? हम डबरा से। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? गोविंद सिंह राजपूत बाबूजी। अच्छा, बाबूजी के नाम से हम सभी जगह जाने जाते हैं। अच्छा अच्छा, आप क्या करते हो? हम आबकारी विभाग में प्रभारी हूँ। अच्छा अच्छा, मैनेजर बहराव। अच्छा अच्छा, आप यहाँ माता के पास जो हैं, तो आप क्या समस्या लेकर आए थे माता के पास? हम किडनी की समस्या लेकर आया था। अच्छा अच्छा, मैं किडनी और पथरी। अच्छा अच्छा, उस बारे में हमें बागेश्वर धाम में पता चला था, बागेश्वर धाम में मैं जाता हूँ, वहाँ मालूम चला था एक संत द्वारा, और ये बताया गया था कि बाबूजी एक बार आप पथरिया माता जाएं,
तो हम जब पथरिया माता आए मंगलवार को, अच्छा अच्छा, तो हमको माता ने अपने आप ऐसा लगा के हमको जाना नहीं है, अच्छा। हमको रोक लिया, तो फिर मैं उसी दिन से, आज हमको कम से कम एक महीना होने जा रहा है, अच्छा अच्छा हाँ, और मैं माता जी की सेवा में लगा हूँ। सुबह शाम भंडारा तैयार होता है, गरीबों को भंडारा खिलवाते हैं। आप फ्री भंडारा करवाते हैं? हाँ फ्री, कोई चार्ज नहीं, चाय पिलवाता हूँ, कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, लिटवाता हूँ, तखत डलवा दिए हैं, जो सेवा बनती है जनता की वो सेवा कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और माता रानी ने हमारे ऊपर इतनी कृपा, वो क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल सही आई है, थोड़ा सा क्रिएटिनाइन रह गया है, अच्छा अच्छा, थोड़ा सा माइनर, अच्छा अच्छा, तो वो उसके लिए फिर आ गया हूँ। अच्छा अच्छा, आप कब से परेशान हो इसके लिए? इसके लिए हम 5 साल से परेशान। अच्छा अच्छा, आप कितने अस्पतालों में ऐसे घूम आए? हम ग्वालियर, अच्छा, डबरा, झांसी, अच्छा, दिल्ली, नडियाल, अच्छा, गुजरात में एशिया लेवल का हॉस्पिटल है, अच्छा, वहाँ तक। हाँ, तो आपने काफी कुछ खर्च कर दिया इस किडनी के लिए, और आपको आए माता रानी के पास और माता रानी ने आपकी बिल्कुल सुन ली? मेरी पूरी पूरी सुनी। अच्छा अच्छा, पूरी पूरी सुनी है, और बहुत ही उनकी कृपा रही है, इसलिए अपन ने ये जनता के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, और हमारी जांच सही आ जाएगी तो ज़्यादा नहीं कहता हूँ, जो माता के लिए बनेगा वो मैं करूँगा। अच्छा अच्छा, और जो लोग कहते हैं घर बैठे रहते हैं, जो नहीं आते माता के पास, जो कहते हैं कि माता का अंधविश्वास है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में कहेंगे कि वो नास्तिक हैं। अच्छा, आस्तिक नहीं है, जो आशा लेके आते हैं, माता रानी उनकी पूरी बात सुनती है। अच्छा अच्छा, और काम होता है, हम यहाँ अपनी नजरों से देख रहे हैं, कई गूंगा, कई लंगड़े, कई के घुटनों में दर्द, अच्छा, वो बिल्कुल ठीक होके गए मेरे नजरों के सामने। अच्छा अच्छा, आपकी आंखों देखा हाल है? मेरी आंखों देखा हाल। अच्छा अच्छा, तो मैं शुरुआत से यही कह रहा हूँ कि आप अगर आशा और विश्वास के साथ आते हैं, तो जैसे माता रानी ने इनकी सुनी है, ऐसे आप सबकी भी सुनेंगे, और मन में बिल्कुल आशा विश्वास रखना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास आशा और विश्वास नहीं है तो माता क्या कोई भी नहीं सुनेगा आपकी। इसलिए आप देख रहे हैं, साक्षात प्रमाण है कि इनकी किडनी खराब होने के बावजूद भी जगह जगह इलाज करवाने के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद, यहाँ पे सिर्फ सिर्फ फ्री में माता रानी के यहाँ आकर ठीक हो गए हैं, और यहाँ पे जो बैठे बैठे यहाँ पे लोगों के लिए सेवा करते हैं लोगों की, और कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे कितनी व्यवस्था करी है, देखो, पहले तखा डलवा दिए, शाम सुबह खाना नाश्ता चाय पानी ये सब बिल्कुल मुफ्त में करा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। तो ये साक्षात प्रमाण है यहाँ पथरिया माता का, तो आप बिल्कुल बेहिचक आइए, आपका यहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल कोई पैसा नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, आप तो खुद ही 5 पत्थर, अगर कुछ नहीं बन रहा है तो 5 पत्थर की और 1 झोंका नीम का माता रानी खुद ही झाड़ देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना कोई झाड़ा लगाता है, माता रानी खुद ही झाड़ा लगाती है, और दूल्हा देव पे जाके विनती कर लो, दूल्हा देव है यहाँ और माता रानी है, दो देव बैठे हुए हैं, और वो ही सारी कृपा उनकी बरस रही है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, और बिल्कुल मतलब जो ईश्वरवादी होगा, जो धार्मिक होगा, उसके काम सही हो रहे हैं, और जो एक वैसे ही देखने के रूप में आते हैं, अफवाह अगर गलत करेंगे तो वो ये कलंक। देखो, इस दुनिया में जिसका नाम उठता है उसका नाम बदनाम ही होता है, उसको लोग हमेशा उठे हुए को गिराना सोचते हैं, क्योंकि यह नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आप बिल्कुल आस्तिक रहिएगा। बैठे हैं और हम साक्षात देख रहे हैं, हमारा तो हुआ है उद्धार, हे माधेश्वरी, जितनी जनता आ रही है मैं विनती करता हूँ कि सबका उद्धार हो। अच्छा अच्छा, तो आप बिल्कुल साक्षात प्रमाण देख रहे हैं, अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है कि माता का चमत्कार नहीं, तो आइए और मिलिए इनसे, ये यहीं रहते हैं, वो यहीं पे लोगों को सेवा देते हैं, और माता रानी की सेवा में दिन भर लगे रहते हैं और रात भर लगे रहते हैं, किसी को किसी भी चीज़ की समस्या हो तो ये तुरंत निवारण करते हैं। और आप देख रहे हैं कि आबकारी विभाग में प्रभारी हैं, और अपनी नौकरी को छोड़कर माता के पास अपने स्वास्थ्य के लिए आए थे, और माता रानी ने इनके ऊपर कृपा करके बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, तो अब माता रानी को
क्या कहेंगे? माता रानी की अटूट कृपा, माता रानी को जो कहेंगे सबका भला कर रही है, और जो भी आएगा सच्चे दिल से आएगा सबका भला होगा, और आए और अपनी विनती करें, माता रानी सबकी सबके ऊपर कृपा करेंगी। कृपा बरस रही है, अगर ऐसे में कृपा लोगों ने नहीं ले पाई तो उनकी बेवकूफ़ी है, और अगर ऐसे में कृपा ले जाए तो बिल्कुल साक्षात रूप है, लेकिन आए सच्चे हृदय से। तो देख रहे हैं कि हृदय में आस्था होनी चाहिए तभी माता आपकी सुनेगी, और आप भी बिल्कुल आइएगा। जिसको सपना हुआ था, अच्छा अच्छा, वो सज्जन भी हमसे मिले हैं और उनने पूरी कहानी बताई है। वो हमसे काफ़ी प्रभावित हुए कि बाबूजी आपसे मिलके, आप माता रानी के भक्त हैं, माँ गजानन मैया का आप उनने प्रतिष्ठा कराई है गढ़कुंडार में, अच्छा अच्छा तो हाँ, और एक डबरा में माँ राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा कराई, माता की हमारे ऊपर अटूट कृपा है। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों को बताइए कि जो सबसे पहले जिसको दर्शन दिए तो उन्होंने आपको क्या हमको जी कहा है कि बाबूजी यहाँ अटूट कृपा बरसेगी, और हमारी बीमारी जो थी लाइलाज थी हमारी ठीक हो गई है। माता रानी ने खुद मतलब आकाशवाणी की थी, और दो माताएं आई थी, उन्होंने ऐसा बोला था कि सब जगह ऐसा प्रचार कर दो कि जो भी आएगा हमारे स्थान पे वो ठीक होके जाएगा। तो आज वही बात हो रही है जो उन्होंने दादा ने कहा था, वो आज बिल्कुल अटूट कृपा मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ, और कृपा बरस रही है। तो देख रहे हैं जिसको माता ने साक्षात दर्शन दिए थे, स्वयं आकाशवाणी की थी, उन शख्स ने भी इनको बताया कि यहाँ पे माता ने ऐसा संदेश कहने को दिया, और इन्होंने जन जन तक संदेश पहुँचाया, और स्वयं प्रत्यक्ष रूप से यहीं बैठकर माता की सेवा कर रहे हैं, और जो लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है उनको ये साक्षात प्रमाण देते हैं, और अगर आप भी आए तो इनसे मिलें। जय पथरिया माता। जय पथरिया माता की जय।